आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं पूरे भारत में कि इष्टतम मुल्क की हालात आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं। NRC के लेकर दिल्ली जंतर मंतर से हर जगह पे हर नागरिक रोड पे आकर धरना प्रदर्शन पे आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जामिया मिलिया में बगैर परमिशन लिए हुए पुलिस ने हर लड़कियों के ऊपर लाठी चार्ज किया। ये कौन सी कानून लागू हुआ है कि महिला की जगह पर जेंट्स पुलिस वाले लाठी मारें और इतनी बुरी तरह से उन लोग चौटाए हैं कि उसको हर छात्र बेचारा हर स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं जब इतने मुल्क परेशान हो चुके हैं NRC के लेकर हर मुल्क के जितने हम लोग मिलजुल के रहते हैं हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो हम लोग भाईचारा बना के शुरू से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से रह रहे हैं और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जो आज BJP सरकार में जो भेदभाव ये कर रहे हैं हर चौराहे के ऊपर हर नागरिक एकदम परेशान है। नौकरियों के लिए कोई बात नहीं हो रही है, जितने कंपनियां वो सब बंद होते जा रही है। सिर्फ इसमें बड़े बड़े जो धीनू अम्बानी मुकेश अम्बानियाँ हैं जो मोदी जी के साथ है उनको बढ़ावा हो रहा है। गरीब आदमी रोड पर कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो देश की हालात अजब नागरिक के साथ इतनी हर मुसलमान के ऊपर BJP सरकार ने हर तरह से जलील कर रहे हैं। अभी 370 में कश्मीर में ये मामला रखे उस पर आदमी कुछ नहीं कहा। बाबरी मस्जिद के ऊपर मामला रखे, जब बाबरी मस्जिद का फैसला हो रहा था प्रधानमंत्री जी क्यों अपने से जाकर वहाँ के जज से मिल रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का मसला हुआ तो अब NRC के लेकर आ रहे हैं। तो क्या इनसे कौन सी ऐसी दुश्मनी है कि हर मुसलमान हर चौराहे के ऊपर जलील हो रहा है, हर माए बहन लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है? ये कौन सी कानून है? ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए जो कि जहाँ पर भेदभाव, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो चल रहा है, कांग्रेस के दिन है जो हिंदुस्तान में आज बत्ती के बिल है, बिजली पानी कंप्यूटर हर छात्र बेचारे जो नौकरी कर रहे हैं ये कांग्रेस के दिन है। ये सरकार कौन सी नौकरियाँ किसी को दी है? अभी लखनऊ में जब आए थे जेटली जी ने तो वे बताए हैं, और इसी के ऊपर एक आपको शेर बता देता हूँ। जबाने को वो एक रत्ती समझकर बेच देगा, जबाने को वो एक रत्ती समझकर बेच देगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच देगा। हुआ जो हुकूमत हमने दे दी है मियां एक चाय वाले को, वो हिंदुस्तान को पत्ती समझकर बेच देगा। पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं किस तरह से माहौल चल रहा है, और पूरे देश में कितनी ही तबाही बर्बादी है, और कितनी हर नागरिक चौराहे के ऊपर परेशान है। एक तरफ से नोटबंदी कर दिए, एक तरफ से सबको कारोबार ले लिए, किसी गरीब के पास कारोबार नहीं है, किसी का कोई जायदाद नहीं है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान के जिएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। सब जितने यहाँ के नागरिक पूरे भारत का है, यहाँ पर कोई जात है ना पात है ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम, सब हम लोग एक इंसान हैं, एक भाई भाई हैं, और भाई भाई बनकर मिलकर रहेंगे।